हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार रियल 2.0। सो दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर जो रेलवे भर्ती चल रही है उसको लेकर माननीय रेल मंत्री का बयान आ गया है। तो हम जानेंगे कि रेल मंत्री ने क्या बताया है, कौन कौन सी वैकेंसी अभी आएगी, कौन की सी वैकेंसी किस माह में जारी होगी, वो सब कुछ बताया है। और देखेंगे कि क्या LP वैकेंसी बढ़ गई कि नहीं, इसको लेकर सब चर्चा हम करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगर हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है उसे आप जुड़िए, ताकि हर जानकारी आप तक तो मिलती रहे। तो पहले आप उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। हफ्ते में एक निकल रही है। एक हफ्ते में। दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से देखो, अभी अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000, 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर चार चार पांच पांच साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट? इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, इन ये चार, जो चार बड़े चंक है, ALP, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप Level 1, ये जो चार बड़ी कैटेगरीज हैं, इन चार बड़ी कैटेगरीज का साल में चार हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो ALP का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें Level 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सर सारे के सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड लंबे टाइम से रही है कि चार चार साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से, अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट? टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर, 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं हर है? वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। तो आपने रेल मंत्री का बयान सुन लिया, उन्होंने बता दिया कि किस तरह से अब हर साल वैकेंसी आएगी। ठीक है, हर साल वैकेंसी आएगी, लेकिन जो 5 साल बीत गया है उसकी वैकेंसी तो आप जोड़ के दे दीजिए, बाकी आप हर साल वैकेंसी लाते रहिएगा। लेकिन इन्होंने ये बयान दिया है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि हम वैकेंसी जो 5 साल बाद लाए हैं वो उसका अभी कुछ जो कम वैकेंसी है उसको बढ़ा के करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि खाली जो पिछली की वैकेंसी आई थी 2019 में उसको 1.5 लाख वो इस साल काउंट कर रहे हैं। अभी जो 1.5 लाख आई थी वैकेंसी उसको अभी भी उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं हमारे रेल मंत्री। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो ये BJP की रवैया है अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट पर लाठियां बरसाना और उनके हक को न मानना। फिलहाल अभी चुनाव है, सब पता चल जाएगा, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।